गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम पार्टनरशिप चैप्टर कर रहे थे एंड हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था वो था सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। और जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैंने आपको 18 या 19 क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे। इसके बाद आ जाते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में और सैलरी और कमीशन वाले क्वेश्चंस। ये टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फिलहाल आज का सबसे पहले मैं होमवर्क ही दे रही हूँ आपको, यहाँ तक क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, ठीक है। आगे वाले टॉपिक्स हम आज करने वाले हैं, इसके बारे में आपको होमवर्क में बाद में बता दूंगी। फिलहाल आज के लिए आप 28 तक क्वेश्चंस बन रहे हैं इस बुक के हिसाब से। अगर किसी के पास न्यू एडिशन है तो वो उसके हिसाब से चलेगा। आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स के पहले वाले टॉपिक के जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आपने सॉल्व करने हैं, राइट। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने इलस्ट्रेशन करी थी कमीशन टू पार्टनर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इलस्ट्रेशन नंबर 15, 5500 और 4500 इसका आंसर आया था। आई होप आप लोग को याद होगा। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है। ये इलस्ट्रेशन अभी तक हमने जितने टॉपिक किए हैं उनका सम अप है, ठीक है। ये आप खुद ट्राई करेंगे, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉमेंट में आप अपना क्वेरी डाल दीजिए, आई विल लुक इन टू मैटर। आगे अब चलते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राॅइंग्स। सबसे पहले ड्राइंग्स होती क्या हैं, आई होप आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दिस टू यू। अब है दो टॉपिक हैं यहाँ पे, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग्स मतलब आपने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है उसके अगेंस्ट आप ड्राइंग्स कर रहे हो, मतलब उसमें से आप कुछ पैसे निकाल रहे हो, तो डेफिनेटली उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना बनता है। लेट मी रीड दिस। Drawings against capital means withdrawal by a partner out of his or her capital. Interest on capital is not allowed or paid by a firm on the amount of capital withdrawn. Drawing by a partner against his or her capital is debited to his or her capital account. As a result of this, partner gets interest on capital on the amount and for the period capital remains in business. फॉर एग्जाम्पल, फिलहाल अभी ये कहना चाहता है कि अगर आपने अपनी कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल दिया है तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट नहीं लगाते। अब उसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि आपको उसके ऊपर भी देखो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, राइट। लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, मतलब जितना टाइम आपका पैसा बिजनेस में रहा। अभी एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर अनमोल हैज़ ओपनिंग कैपिटल ऑफ 5 लाख अगेंस्ट विच ही विड्रॉज 1 लाख ऑन 1st October. दैट मीन्स 5 लाख उसका रहा 6 महीने के लिए, उसके बाद उसने 1 लाख रुपये विड्रॉ कर लिए, उसके बाद उसकी कैपिटल क्या रह गई? 4 लाख। तो उसको देखो इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, 5 लाख के ऊपर 10% फॉर 6 मंथ्स एंड 4 लाख के ऊपर 10% फॉर 6 मंथ्स। दैट मीन्स जितना टाइम आपकी कैपिटल बिजनेस में रही है उतने टाइम के लिए आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज। मूविंग फर्दर, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट मीन्स आपने अपने प्रॉफिट के शेयर में से कुछ विड्रॉ कर लिया है। इट मीन्स ड्राइंग्स बाय अ पार्टनर अगेंस्ट हिज और हर शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म फॉर द ईयर, मतलब फर्म में से उसने जो पैसा कमाया प्रॉफिट उसमें से उसने कुछ विड्रॉ कर लिया। वेन अ पार्टनर मेक्स ड्राइंग्स अगेंस्ट हिज और हर शेयर ऑफ प्रॉफिट, द फर्म चार्जेस इंटरेस्ट ऑन सच ड्राइंग्स एट एन अग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप। जैसा पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा उसके हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। If the partnership deed does not exist or it exists but does not have a clause for charging interest on drawings, interest is not charged on drawings. ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो आप इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेंगे। ऑफकोर्स हम कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड ऑन द अमाउंट ऑफ drawings by a partner, that is from the date of drawings till the end of the accounting period. मतलब जिस तारीख तक वो पैसे हमारे बिजनेस में थे उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता रहेगा। जिस दिन उसने drawings की उसके बाद वाले पीरियड पे हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि उतना ही पीरियड वो चीज़ हमारे बिजनेस में रहने वाली थी, ठीक है। इसका एक डिफरेंस है छोटा सा, ये आप पढ़ लेंगे। अगर कुछ नहीं भी समझ में आता है तो वी विल डिस्कस इट लेटर डेफिनेटली। मूविंग फर्दर, अभी ड्राइंग्स कैसी कैसी हो सकती हैं। एक तो हो सकती हैं इरेगुलर ड्राइंग्स, मतलब जो रेगुलर नहीं है, मतलब या तो सेम अमाउंट हमने विड्रॉ नहीं करा बार बार,
या हम लोग डिफरेंट अमाउंट्स डिफरेंट टाइम पे करते हैं, मतलब कभी 2,000 निकाल लिया, कभी 5,000 निकाल दिया, ठीक है। रेगुलर हो जाएगा कि सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब से हर महीने आप इतने पैसे निकाल रहे हो, हर महीने 1 तारीख को आप पैसे निकाल लेते हो, हर महीने 15 तारीख को आप पैसे निकाल रहे हो, दिस वे, राइट। तो अभी ये आपको बताया क्यों जा रहा है, क्योंकि इन दोनों की अकाउंटिंग है डिफरेंट, ठीक है। अगर तो अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ हुई है एट डिफरेंट डेट्स, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट हुई है, और व्हेन देयर इरेगुलर ड्रॉइंग्स, इरेगुलर मतलब अलग अलग टाइम पे हम कभी भी पैसा निकाल रहे हैं जब हमारा मन कर रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ सिंपल मैथड और प्रोडक्ट मैथड। अब सिंपल मैथड क्या होता है, सिंपल मैथड में क्या होगा, सिंपल है। Under this method, the interest on drawings is calculated for the period the amount has been utilized. The interest is calculated with reference to each single drawing. मतलब हर drawing का अलग से निकालते जाओ कि 2,000 निकलवाया इतने time के लिए तो इतना interest मिलेगा, very rare use होने वाली चीज़, ठीक है। आगे आ जाता है product method. अब product method में क्या होगा, Under this method, the amount of drawings is multiplied with the नंबर ऑफ मंथ्स और नंबर ऑफ डेज इट हैज़ बीन यूज्ड, जितने टाइम के लिए हमने उसे यूज़ कर लिया। द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज टोटल एंड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड देयर ऑन फॉर 1 month इफ द पीरियड टेकन इज इन मंथ्स एंड फॉर 1 day इफ द पीरियड टेकन इज इन डेज। आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू लेटर, क्योंकि ऐसे पढ़ने से तो ये समझ नहीं आएगा, तो हम आगे इलस्ट्रेशन देखेंगे इसकी। फॉर्मूला देखिए, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12। अभी एक दिन के लिए या एक महीने के लिए निकालना है, एक महीने के निकालना है तो 1/12, अगर एक दिन का निकालना है तो 1/365। अगर क्वेश्चन में आपको डेज दे रखे हैं तो डेज के हिसाब से चलेंगे, अगर मंथ दे रखे हैं तो हम मंथ्स के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन 17 क्या कर रहे हैं देखिए ज़रा। इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अ पार्टनर ड्रू एज फॉलोज, ये ड्रॉइंग्स दे रखी हैं उसकी, 1 मई को उसने निकाले 2,000, 1 अगस्त को उसने निकाले 5,000, 30 सितंबर को निकाल लिए 2,000, 31 जनवरी को निकाल लिए 6,000, 31 मार्च को निकाल लिए 2,000। अभी अलग अलग डेट है, अलग अलग अमाउंट है, तो डेफिनेटली इरेगुलर वाला है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल मैथड सिंपली हमने बोला था। अब सिंपल मैथड, 1 मई को उस बंदे ने विड्रॉ कर लिया 2,000। अब हम ये देखेंगे कि कितने महीने बच गए हमारा ईयर क्लोज होने में, क्यों, क्योंकि ये पैसा हम लोग पूरे साल के लिए लगा के बैठे थे कि हमारे पास है, लेकिन ये तो विड्रॉ हो गया, तो सिर्फ कितने टाइम के लिए हमने यूज़ किया वो लग रह जाएगा, जितने के लिए हमने यूज़ करने का सपोज करके रखा था वो निकाल लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है 12 महीने, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 1 महीना निकल गया आपका, पीछे बचे कितने महीने, 11 महीने। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ ये ज़रा नीचे देखिए, 2,000 उसके ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 15% इनटू जितने महीने रह गए 11/12, ठीक है। ऐसे ही अगस्त में है तो इसी के हिसाब से हम मंथ्स देख लेंगे, 8 मंथ्स रह गए, सेम फॉर्मूला सही रहेगा आपका, 5,000 इंटू 15% इंटू 8/12। इस तरह से करके आपने ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया और इसका कर लेंगे हम लोग टोटल। ये था आपका सिंपल मेथड। अब आगे आ जाता है आपका प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में देखेंगे सेम चीज़, कैलकुलेशन ऑफ मंथ सेम है, अब क्या करेंगे हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2,000 इंटू 11 मल्टीप्लाई किया, 5,000 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर लिया, 2,000 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर लिया, इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आया उसका हमने लगा लिया टोटल। अब टोटल हमारे पास क्या आ गया, 86,000। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 86,000 टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट 15/100 इनटू 1। अब हम क्या निकाल लेंगे, मंथ के लिए, ये लिखा था ना इधर कि हम लोग 1 मंथ का निकालेंगे या 1 ईयर का निकालेंगे, 1 मतलब डे के हिसाब से, 1 डे का। तो अभी हमारे पास जो डाटा था वो मंथ के हिसाब से दिया था, उसके हिसाब से हमने फॉर्मूला अप्लाई किया एंड वी विल गेट आंसर, दिस इज़ ईजीएस्ट। अभी इसके आगे अब हमारा थोड़ा सा मुश्किल वाला शुरू होगा। ये इलस्ट्रेशन हो गई, उसके बाद हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन 18। अब यहाँ पे केस क्या है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ओनली, अब सिर्फ 6 ही महीनों के लिए निकाल लें पैसे, तो लेट्स सी विद द केस।
बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली. ए ड्रीव रेगुलरली 6,000 द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ्स. पूरे 6 महीनों के लिए उसने 6,000 रुपये निकाला है, ये गिवन है, ये रेगुलर है, ठीक है. बी ड्रीव रेगुलरली 6,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ एंडेड 30th September. सी ड्रीव रेगुलरली 6,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ्स एंडेड 30th September. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 5% पर एनम व्हेन द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर. देखो पैसे चाहे 6 महीने के लिए निकाले हों, लेकिन हम उसको जो कैलकुलेट करके बैठे हैं वो तो हम पूरे साल का ही करके बैठेंगे ना. इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज़ समझा रहे हैं कि चाहे उसने 6 महीने के लिए पैसे निकाले, मतलब देखो फिक्स्ड है कि 6 महीने के लिए निकालने हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग तो पूरे साल का एस्टिमेट करके बैठते हैं ना, हमारा ईयर तो 31st March पे एंड होगा. मतलब ऐसा नहीं है कि 6 मंथ्स के लिए निकाल ले तो हम 6 मंथ्स के हिसाब से टाइम कैलकुलेट करेंगे. नो, हम लोग जो टाइम कैलकुलेट करेंगे वो हमारा ईयर के हिसाब से ही चलेगा. दैट्स इट. इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है करने का, इसे आप देख लेना. अगर कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप कॉमेंट में डाल देना, आई विल लुक इन टू द मैटर. अब इसके बाद आ जाता है एवरेज पीरियड मेथड. अब एवरेज पीरियड मेथड कब यूज होगा देख लेते हैं पहले तो. दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज रेगुलर ड्राइंग्स और या तो रेगुलर ड्राइंग्स हो और व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज यूनिफॉर्म, मतलब सेम अमाउंट बार बार विड्रॉ हो रही है एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्राइंग्स इज ऑल्सो यूनिफॉर्म. मतलब देखो ड्राइंग्स की अमाउंट तो मान लो यूनिफॉर्म है कि 2,000 हर महीने विड्रॉ हो रहा है, हर महीने विड्रॉ हो रहा है. ऐसा नहीं कि 2,000 पहले महीने किया, 2,000 तीसरे महीने किया, तब ये वाला मेथड आपका काम नहीं करेगा. आपका मेथड काम तभी करेगा जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी सेम है और इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग्स इज ऑल्सो सेम. तो अभी फॉर्मूला है क्या देख लेते हैं. टोटल ड्राइंग्स, जितनी हमने ड्राइंग्स करी टोटल कैसे निकलेगा. मान लो 2,000 पर मंथ हम विड्रॉ कर रहे हैं एवरी मंथ, तो 2,000 × 12 24,000 हो जाएगी आपकी टोटल ड्राइंग्स. इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट एज यूजुअल इनटू एवरेज पीरियड ओवर 12. अभी पीछे एक 6 मंथ्स वाला केस किया ना, चाहे आपने 6 मंथ्स के लिए निकाले हो, नीचे हमेशा 12 हो गए क्योंकि हमारा साल पूरा 12 महीनों का होने वाला है. अब ऊपर है एवरेज पीरियड. नाउ पॉइंट इज कि हम ये एवरेज कैसे निकालते हैं. देखो कोई भी एवरेज निकालते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कर देते हैं. आई थिंक दिस इज ओके. अब यहाँ पे क्या करना है ध्यान से पढ़ते हैं. मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा. मान लो कि पहली ड्राइंग मैंने 1 अप्रैल को ही कर ली. मान लो क्वेश्चन में दिया है कि हर महीने पहली तारीख को ही आप विड्रॉ कर लेते हो पैसे, तो पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचेगा मेरे पास. द आंसर्स में भी डिफरेंट. कुछ लोग कहेंगे 11 महीने बचते हैं, बट नो, एक्चुअली 12 ही महीने बचते हैं क्योंकि पहले ही दिन विड्रॉ कर लिया. देखो पूरा महीना अभी बाकी है, पहली तारीख को ही कर लिया तो हम उसमें पूरा महीना उसको कंसीडर करेंगे, तो उसमें 12 के 12 महीने आपके पास बचे रहेंगे, ठीक है. अब क्वेश्चन कैसा होगा कि हम लोग हर महीने फर्स्ट को हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं, तो मतलब लास्ट ड्राइंग हमने कब की होगी, मार्च में, 1 मार्च को, है ना. तो 1 मार्च के बाद 31 मार्च के बीच में कितने महीने बचते हैं, 1 महीना, क्योंकि अगर हमने पहली तारीख को विड्रॉ करा तो हम पूरे महीने को उसे काउंट करेंगे. तो 1 मंथ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 + 1/2, दैट मीन्स 13/2, दैट मीन्स 6.5. हम एवरेज पीरियड की जगह क्या लेंगे, 6.5. दिस वे इट वर्क्स. अभी आपको काफ़ी सारे केसेस हैं इसमें, तो जो मैंने सिंपल चीज़ अभी समझाई ना कि पहले ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा और आखिर ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, बस वो चीज़ आपने ठीक से कैलकुलेट करनी है, उसके बाद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है. हम इलस्ट्रेशन देखते हैं. एक्चुअली यहाँ पे नीचे केसेस हैं बट ऐसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम लोग आगे चलते हैं. क्वेश्चन के साथ साथ आपको सारा क्लियर होता जाएगा. ये नहीं सोचना कि हमें नहीं आया या ये छुड़वा दिया, ये आगे आपका कवर होने वाला है क्वेश्चन में ही. हम फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं. अ पार्टनर ड्रॉज ₹1,000 पर मंथ, हर महीने 1,000 रुपया वो निकाल रहा है. अंडर द पार्टनरशिप डेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 15% पर एनम. कैलकुलेट इंटरेस्ट दैट शुड बी चार्ज्ड फ्रॉ टू द पार्टनर इफ द ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ. मतलब अब क्या हो रहा है, अ
पार्टनर ड्रॉज ₹1,000 पर मंथ इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ, मतलब हर महीने की स्टार्टिंग में ही कर रहा है और हर महीने कर रहा है, पर मंथ लिखा हुआ है। टोटल ड्रॉइंग्स कितनी होंगी पहले ये बताइए, 1,000 × 12, 12 महीने के लिए निकाल लेगा पैसे 12,000। उसके बाद 15% है तो × 15/100। उसके बाद अभी हम करेंगे कैलकुलेट एवरेज पीरियड। देखो डिवाइड में तो 12 ही रहना है हमेशा। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। अब पहले ड्राइंग कब की होगी, 1 अप्रैल को, क्योंकि बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है। लास्ट ड्राइंग करी होगी हमने 31 मार्च को। देखो इस क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है, अपने आप को पूछना है पहले कि पहली ड्राइंग कब की और आखिरी ड्राइंग कब की, तो आपके पास टाइम कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। 1 अप्रैल को ये ड्राइंग कर ली तो पूरे के पूरे 12 महीने अभी बाकी हैं, प्लस 1 मार्च को की होगी हमने लास्ट ड्राइंग, तो 1 मार्च को करी तो अभी पूरा महीना ये वाला बाकी है, मतलब 1 महीना बाकी है। डिवाइडेड बाय 2 दैट कम्स टू 6.5। ये अभी अभी जो मैंने आपको बताया था ये वही केस था। नेक्स्ट कर देते हैं इन द मिडल ऑफ द मंथ। अब मिडल ऑफ द मंथ का मतलब क्या है, 15 तारीख, ठीक है। टोटल ड्राइंग्स आपकी सेम रहेंगी, 1,000 × 12, 12,000, ठीक है, 15% सेम रहेगा। अब हम टाइम निकालेंगे कितना रहेगा, पहले ड्राइंग करी होगी 15 अप्रैल को, राइट, लास्ट ड्राइंग करी होगी 15 मार्च को, ठीक है, क्लियर। अब टोटल तो 12 महीने होते हैं, है ना, 15 तक आधा महीना निकल चुका है, तो कितने महीने बचे, 11.5, राइट, प्लस अब 15 मार्च है, कितने महीने बचे अभी 31 मार्च में, आधा महीना, मतलब 0.5/2, दैट मीन्स 12/2 कम्स टू 6। तो अभी हम एवरेज क्या लेंगे यहाँ पे, 6, ठीक है। अपने आप को बिल्कुल दिमाग को खुद से पूछना है कि ड्राइंग कब हुई होगी और उसके बाद कितना टाइम बचा वो सीधे निकल आएगा। अब लास्ट है एट द एंड ऑफ मंथ। एंड ऑफ द मंथ मतलब एंड में करी होगी, पहली ड्राइंग करी होगी 30 अप्रैल, अगली ड्राइंग करी होगी कब, लास्ट वाली 31 मार्च, लास्ट डे पे ही करी होगी ना, ऑफकोर्स एंड ऑफ द मंथ पे कर रहे हैं, तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, 11, सिंपल है, अप्रैल निकल गई पूरी, 11 महीने बचे हैं। आखिरी ड्राइंग के बाद कुछ बचा है क्या, नो, ईयर खत्म हो गया, तो 0/2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 5.5। तो अभी हम नीचे ले लेंगे 5.5, यू कैन टेक दिस वे, इट्स ओके, राइट, इज दिस क्लियर। मूविंग फर्दर, अब हमारे पास नेक्स्ट केस है, इफ अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर क्या होता है, आई होप एवरी वन ऑफ यू अंडरस्टैंड, दैट इज एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर होते हैं 3 मंथ्स का, दैट मीन्स 12/3, हमारे ईयर में टोटल हो गए 4 क्वार्टर्स, राइट, टोटल हो जाएंगे हमारे 4 क्वार्टर्स। अब कब हो रही है ड्राइंग आपकी, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर कब शुरू होगा, पहला क्वार्टर कब स्टार्ट होगा, पहला क्वार्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल को, ठीक है। अब क्वार्टर कैसे बनेगा, अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च लास्ट क्वार्टर। तो अभी लास्ट क्वार्टर कब स्टार्ट होगा, जनवरी में, और जनवरी की बिगनिंग में करेंगे तो मतलब 1 जनवरी, ठीक। अब अप्रैल के बाद कितना टाइम बचा बताओ, 12 महीने पूरे, 1 अप्रैल के बाद तो पूरे के पूरे 12 महीने बचे ना, 1 जनवरी के बाद कितने महीने बच गए, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, 3, 12 + 3, 15, 15/2 दैट इज 7.5। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, 7.5। रेस्ट योर फॉर्मूला इज टोटली सेम, हम कितना निकाल रहे हैं वही सेम अमाउंट लिया है इन्होंने, एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन समझा रहे हैं कि कैसे करना है, क्लियर। अब ऐसे ही नेक्स्ट केस है कि हर क्वार्टर के मिडल में होगा। अब क्वार्टर का मिडल कैसे आएगा, देखो क्वार्टर की स्टार्टिंग हुई है हमारी 1 जनवरी को, है ना, लास्ट वाले क्वार्टर की, पहले क्वार्टर की स्टार्टिंग हुई है 1 अप्रैल को, क्वार्टर का मिडल देखना है हमने, क्वार्टर का मिडल मतलब 3 महीनों का आधा कितना होता है, 1.5 महीना, तो 1 अप्रैल, अप्रैल मई जून। अब क्वार्टर कब मिड होगा हमारे क्वार्टर का मिड कब होगा, 1 अप्रैल पूरा और आधा महीना अगला, मतलब 15th of May, मतलब पहली हमारी ड्राइंग होगी 15th मई को,
लास्ट क्वार्टर कब है हमारा? 1 जनवरी। 1 जनवरी का मिड कब आएगा? जनवरी मतलब 15 फेब। तो हमारी नेक्स्ट ड्राइंग कब होगी? 15 फेब को। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद टाइम कितना बचा हमारे पास। 15 मई के बाद कितने महीने बचते हैं बताओ? टोटल 12 महीने होते हैं, 12 में से एक अप्रैल निकल गया और आधा आपका मई निकल गया, तो कितने महीने बचे? 10.5 महीने। अब 15 फेब, फेब के बाद कितना टाइम बचा है? आधा महीना फेब का और पूरा महीना मार्च का, 1.5 महीना। कितना हो गया आपके पास? 12, 12/2 कितना आ जाएगा? 6। देखो देयर इज़ नो नीड टू क्रैम दिस, क्योंकि क्रैमिंग किया हुआ याद रहेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो डेफिनेटली आपको इसे समझना है। बस एक बार समझ लो, 2-3 क्वेश्चंस निकाल लो, इसके बाद आपका ये टॉपिक पक्का है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। देखो अब क्वार्टर का एंड कब होगा मैं बता देती हूँ, लेकिन आप कैलकुलेट अब खुद से करोगे। फिक्स्ड अमाउंट आपकी विड्रॉ हो रही है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। पहला क्वार्टर कब खत्म होगा? अप्रैल मई जून, जून में 1 क्वार्टर खत्म, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर 30 जून को खत्म हो जाएगा 1 क्वार्टर। तो 30 जून के बाद कितना टाइम बचता है वो देखना, और उसके बाद आपका लास्ट क्वार्टर कब खत्म होगा? लास्ट क्वार्टर बिल्कुल लास्ट में खत्म होगा ना, जनवरी में शुरू होगा, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च की लास्ट डेट, उसके बाद टाइम जीरो बचने वाला है। तो बस आपको यही देखना है कि पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है और प्लस जीरो बाय टू करना है। तो अगर आपका ये आंसर आ जाता है तो आप कमेंट में थम्सअप भेज देना, अगर आपका आंसर नहीं आता है तो अपना डाउट भेजना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये क्लियर कर दूंगी, डोंट वरी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अभी बस इलस्ट्रेशन 20th आपका बिल्कुल सेम इसी टॉपिक पे है, ये आपने खुद से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकता है आपका, लेकिन आप ज़रा इसकी स्टेटमेंट देख लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा। देखो ज़रा यहाँ अलग से दिया हुआ है, इफ अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग 6 मंथ्स, चाहे यहाँ पे 6 मंथ्स का टाइम है, देखो नीचे हमने 12 लिया है। ठीक है, हर मंथ की स्टार्टिंग में हम लोग 6 महीनों के लिए निकाल लेंगे। अब 6 महीने का टाइम है ना टोटल, देखो ज़रा इसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। मान लो हमने ड्राइंग्स करी 6 महीने के लिए, तो पहले ड्राइंग कब होगी? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, 1 हो जाएगी आपकी 1 अप्रैल को। अब टोटल टाइम कितना है हमारे पास, जल्दी बताओ हमारे पास टोटल टाइम कितना है, कैलकुलेट करो बच्चों अपना अपना। इसे आप पहले खुद कैलकुलेट करोगे फिर मेरी वीडियो देखोगे, ठीक है? वीडियो पॉज करके अपना आपने कैलकुलेट करना है, आपको मैं टाइम दे रही हूँ अभी। देखो स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि डिनोमिनेटर में हमेशा 12 लेंगे, लेकिन अब हम ड्राइंग्स कर रहे हैं 6 मंथ्स के लिए, तो टोटल जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ्स है। पहली ड्राइंग अगर 1 अप्रैल को ही होती है तो 6 महीने का टोटल टाइम है, तो 6 के 6 महीने हमारे पास भाई बचे हैं 1 ड्राइंग के बाद। हमारी लास्ट ड्राइंग हो जाएगी 1 सितंबर में, राइट? अब 1 सितंबर के बाद कितना टाइम है 6 महीने पूरे होने को? सिर्फ 1 महीना, तो प्लस 1/2 दैट इज 7/2 कम्स टू 3.5। देखो कुछ भी नहीं है, कोई जादू नहीं है, आराम से आप सीखोगे तो हो जाएगा। अब मिडल ऑफ ईच मंथ, तो पहली ड्राइंग हो जाएगी 15 अप्रैल, 15 अप्रैल के बाद कितना टाइम बचेगा? 5.5 महीने, राइट? टोटल 6 हैं तो आधा महीना निकल गया, 5.5। आखिरी ड्राइंग कब होगी हमारी? आखिरी ड्राइंग कब होगी हमारी? 15 सितंबर को, राइट? तो 15 सितंबर के बाद 6 महीने कंप्लीट होने को कितना टाइम रह गया? आधा महीना, तो 0.5/2 दैट इज 6/2 दैट इज 3, राइट? 3। अब लास्ट है एंड ऑफ ईच मंथ, तो 30 अप्रैल को होगी पहले ड्राइंग, 6 में से 1 महीना निकल गया, कितने महीने बचे? 5। प्लस लास्ट ड्राइंग कब होगी? बिल्कुल एंड में, कोई टाइम नहीं बचेगा, 0/2, 5/2 कितना होगा? 2.5।
दिस इज़ वेरी इजी, अगर आप ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा, राइट। अगली इलस्ट्रेशन इसी पे बेस्ड है, इसे आप देखोगे और करोगे, ठीक है। उसके बाद इलस्ट्रेशन 22, इसके बाद 22 और 23, यहाँ भी आपका टॉपिक हो जाता है ख़त्म, ठीक है। दिस इज़ इट, यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद आप आओगे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। अभी क्वेश्चंस में आ जाते हैं, मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस दूंगी आपको, आपको बस वही करना है, ठीक है। एक तो आप ये क्वेश्चन करोगे 32nd वाला, ए एंड बी पार्टनर्स, इसमें आपको सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। इसके बाद आप 33rd करेंगे, इसमें आपको केसेस दे रखे हैं क्वार्टर वाले, वो आपके हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट आप करोगे 34th क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आपका अप्रॉक्सीमेटली टाइम लग जाएगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट आता है तो आप इनबॉक्स करना मेरे को या कमेंट्स कर देना, ठीक है। और अदरवाइज इनके सॉल्यूशंस में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करूँगी, राइट। थैंक्स अ लॉट।